कटनी जिले के ग्राम बगेहा के निवासियों ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि महीनों से खराब ट्रांसफार्मर अभी तक नहीं बदले हैं। इस संबंध में विद्युत विभाग के अधिकारियों को जानकारी भी दी गई है। पीड़ित ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग अंधेरे में जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। हम तो किसी तरह से परेशानी झेल सकते हैं, लेकिन हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे इन दिनों की तपती गर्मी को सहन नहीं कर सकते। वहीं गांव में बिजली नहीं होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिजली की समस्या तो लगभग पूरे देश में है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश का ये गांव हमारा बगैया पहला गांव है जहां बिजली के संकट से पूरे गांव के लोग जूझ रहे हैं। आपने अभी देखा लगभग 2 से 3 महीना पहले, 3-4 महीना पहले से एक ट्रांसफार्मर खराब है। कई बार आवेदन दिया, अब जितने सारे लोगों को आप देख रहे हैं, हजार लोग जाकर के आवेदन दिए, आंदोलन की बात किया, लेकिन आज तक बिजली विभाग के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। कारण यह है कि इस तरफ जो बस्ती है ना, एक आम आदमी है, जबकि ये संजय पाठक जी का ये विधानसभा क्षेत्र है, उनसे भी कई बार निवेदन किया गया, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही। बात से तो 2 साल से हमारे यहाँ, एक वहाँ चरनाटा मोहल्ला का एक ट्रांसफार्मर, एक भटिया टोला का, 2 बार कटनी में कलेक्टर के यहाँ गया, अभियंता विद्युत में भी वहाँ भी गया, कोई सुनवाई नहीं। बिजली भी मोहल्ला वाले से भी, वो भी कांटेक्ट किया कि भाई बिल जमा किए, तो कहा हाँ, पावती भी वार्ड साहब में अर्जुन तिवारी को भी भेजा, कोई सुनवाई नहीं।